वाले हैं द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड में रिंडरपेस्ट डिसीज के बारे में। बेसिकली रिंडरपेस्ट डिसीज कैसे क्या आया, ठीक है, इसके बारे में हम समझेंगे। रिंडरपेस्ट डिसीज के बारे में थोड़ा सा मैं पहले बता दूं, रिंडरपेस्ट डिसीज बेसिकली कैटल्स में होती है, ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखो। अब ये हुई कैसे ये बताती हूँ। सारे के सारे यूरोपियन पावर्स मिले थे बर्लिन में, उन्होंने सब काट पीट दिया था पूरे पूरे लैंड को। अब इनका क्या था, देखो अफ्रीका की जो लैंड है वो बहुत अबंडेंट है, बहुत ज्यादा है, और लोग वहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम है। अब जब पॉपुलेशन कम है, लैंड ज्यादा है, तो लोग आराम से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं, उन्हें कहीं काम करने जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे वेजेस वाला जो सिस्टम है ना वो नहीं है, मतलब वेजेस का कोई दिक्कत नहीं है, वेजेस वेजेस के लिए कोई काम नहीं करते। अब जब यूरोपियन पावर्स आई, जो यूरोपियन आए वो ये कह के आए थे कि हमें प्लांटेशन करना है, मतलब बेसिकली ये करने कैसे ऐसे आए थे कि हमें रिसर्च करनी, ये सब करनी है। फिर उसके बाद उन्होंने प्लांटेशन और माइनिंग स्टार्ट कर दी, और ये इतने महान थे यूरोपियन कि खुद भी काम नहीं कर रहे थे, ये इन्हीं लोगों से, अफ्रीका के लोगों से ही काम करवाने वाले थे। अब इनके पास तो ऑलरेडी लैंड है, पॉपुलेशन ज्यादा है, इनके पास वेजेस का कोई दिक्कत है नहीं, तो अब इनको ये लग रहा था कि भाई ये वैसे भी काम करने के लिए राजी नहीं होगा, सही में राजी नहीं थे काम करने के लिए, क्यों भाई काम करें। तो इन्होंने दो चीजें करी, एक तो पहली चीज टैक्सेस लगा दिया लैंड पे, और दूसरी चीज एक इनहेरेंट लॉ लगा दिया। बेसिकली इनहेरेंट लॉ ये था कि मान लो एक बाप है, मतलब एक पिता है, फादर है, जिसके चार बच्चे हैं, ठीक है, चार बेटे हैं, तो किसी चारों में से किसी एक ही अपने बच्चे को वो पूरी की पूरी लैंड दे सकता है, सब में नहीं बांट सकता। तो अब देखो एक के पास लैंड है तो चलो वो नहीं काम कर रहा, बाकी तीन तो है ना, वो तीन तो कहीं ना कहीं भटकेंगे, तो वो यहाँ आएंगे। तो इस तरीके से इन्होंने प्लांटेशन में अपने वर्कर्स भी बैठा दिए। अब इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे कैटल्स भी कई सारी थी, ये धोखे से ये कह करके कि हमें अपने इटालियन सोल्जर्स को क्या खिलाना है, मीट खिलाना है, इसलिए वो कैटल्स को लेके आ रहे हैं। अब उसमें से एक कैटल वो ऐसे लेके आए थे जिसके में रिंडरपेस्ट डिसीज थी, ये डिसीज पूरे के पूरे कैटल्स में फैल गई अफ्रीका के, 90% ऑफ द कैटल्स वर किल्ड, और ये एकदम फॉरेस्ट फायर की तरह एकदम फैला था, और 90% लोग एकदम, सॉरी 90% लोग नहीं, 90% कैटल्स जो है क्या कहते हैं मर गई थी, किल हो गई थी। तो सिंपल सी कहानी है, यूरोपियन पावर्स को इनके ऊपर कंट्रोल करना था, ये आए, इन्होंने दो चीज़ें करी, प्लांटेशन और माइनिंग, उसके लिए इनको काम करने के लिए भी यहीं से लोग चाहिए, तो इनहेरेंट लॉ और टैक्सेस बढ़ा दिए। अब काम वैसे भी ये लोग करेंगे, या तो टैक्सेस भरने के लिए करेंगे, या तो फिर चार बच्चे हैं उनमें से कोई तीन तो करेगा ही करेगा, क्योंकि एक के पास ही जानी है लैंड, लैंड ज़्यादा थी, पॉपुलेशन कम थी, इसलिए लोग काम नहीं करने वाले थे, वेजेस के लिए काम करने का उनको कोई तुक नहीं बनता था। बाद में इटालियन सोल्जर्स को खिलाने के लिए वो मीट लेके आ रहे हैं, ये कह करके वो एक कैटल को लेके आया जिसके अंदर रिंडरपेस्ट डिसीज थी, और वो रिंडरपेस्ट डिसीज पूरे के पूरे अफ्रीका में फैल गई कैटल्स में, 90% ऑफ द कैटल्स किल हो गई। तो अब हम इंडिया के इंडेंजर्ड लेबर के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।